कई बार इनका हम प्रोग्राम करते रहते हैं, लेकिन उनके सुंदर कांड का आज मैं चाहती हूँ कि बोला थोड़ा सा से जी शुरू रोल। मेरा नाम सीमा जायसवाल। आज बहुत ही खुशी की बात है कि सुशील अग्रवाल जी का सुंदर कांड रिलीज हुआ है और उसको दो लाइन में गाना चाहूँगी। बलि जब बाधे प्रभु बढ़े तन का कहाँ न जा, मैंने तो पल दौड़ के सात फेर लगाए प्रभु जी तेरे साथ लगा। Do
सियाराम सियाराम जय जय राम ऐसा है, ये जो भी कुछ कार्य हुआ है मैंने तो किया नहीं है, ये प्रभु जी ने करवाया है ना। तो एक बार स्वरूपानंद सरस्वती जी मेरे गुरु हैं शंकराचार्य जी, उनके वहाँ मिलने गया था मैं। तो वहाँ पर मेरी एक ब्राह्मण से मुलाकात हुई है ना, तो जो हनुमान जी के रूप में थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप ये सुंदरकांड हिंदी में लिखिए। तो उनकी आज्ञा से मैंने इसको सुंदरकांड को हिंदी में रूपांतरित किया। अभिलाष जी आप क्या कहेंगे, हिंदी में जो है शुद्ध हिंदी में इन्होंने लिखा है? देखिए मैं सुशील अग्रवाल जी से, मैं जब लोखंड वाला रहने आया मोहन साहब, तो मुझे पहले मित्र जो मिले वो बिना बाल वाले अग्रवाल साहब, लेकिन मैंने देखा कि इनके बिना बाल वाले सर के अंदर इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंसिया है। और फिर उन्होंने धीरे धीरे हमें कुछ बताना शुरू किया, कोई सुंदर कांड भी, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि साहब ये एक तो इनके विषय में ये कानूनविद हैं, ये टैक्सेशन के बहुत ही विशेषज्ञ हैं, दूसरा ये अग्रवाल यानी वैश्य समुदाय के हैं, तो जाहिर सी बात है व्यवसाय वगैरह से इनके से। मैं कहूँ यार ये आदमी किस ढंग से लिखेगा और कैसे, तब ये इनका लिखना चल रहा था, लेकिन मैं उतना गंभीरता से ले नहीं रहा था कि हमका भाई तुलसीदास जो लिख गए, वाल्मीकि जो लिख गए, कब्बन जो लिख गए, और जाने कितनी उन्नीस रामायणें लिखी जा चुकी हैं, अब सुशील अग्रवाल के सुंदरकांड और रामायण आएगी, तो मुझे भरोसा नहीं हुआ। लेकिन जब इनका सब कुछ आ गया मेरे पास, इसकी जेरोक्स कापी आई, इनका प्राइमरी जो आया, तो मैं बड़ा ताजुब में पड़ गया, क्योंकि मुझे सुंदरकांड पूरा अभी याद है जो तुलसीदास ने लिखा है, वो शांतम शाश्वतम निर्वाण शांत प्रगम ब्रह्मा शम फड़ीम शेवीम शम वेदांत वेद्यम, तो मुझे ये पूरा याद है। तो मैं ऐसे में मुझे लगा कि यार ये तो बड़े, मैं कई बार तो ये भी बोल सकता हूँ कि तुलसीदास से भी कई कदम आगे इनके कुछ दोहे निकल गए, तो मुझे इनकी मित्रता पर गर्व है। और मुझे इस ये मित्रता पर गर्व है कि एक जर्नलिस्ट होने के बाद हम लोग तलाशते हैं ना, यहाँ जो बैठे हैं पत्रकार लोग, हम लोग तलाशते हैं कि हमें अपनी जगह रहे, जहाँ हम रहते हैं वहाँ कोई इंटेलेक्चुअल आदमी मिल जाए, तो ये मुझे मिले। और खाली इन्होंने यही नहीं कि सुंदर कांड किया, इसके अलावा इनके कई भजन आए हैं, गीता प्रेस में इनकी कुछ किताबें हैं, मेरे एक मित्र इनके भजन की किताब ले गए छापने के लिए। तो लेकिन इसके अतिरिक्त ये बहुमुखी जो प्रतिभाएं होती है ना जीवन में, वो है। और इनका अक्सर सुंदर कांड में लोग उनको बुला के ऐसे सुनते हैं, और ये अपनी पूरी टीम के साथ जाते हैं, और मैं ब्राह्मण हूँ तो मुझे भी कहीं कहीं खाना मिल जाता है प्रसाद के रूप में, तो जो है इनका मैं आभारी होता हूँ। तो मुझे, मैं ये बात कह सकता हूँ, मैं लेखन से जुड़ा हूँ, मैं कवि हूँ, लेखक हूँ, ये सब मैं वही मेरा पत्रकार हूँ, यही मेरी पहचान है। मैं उस आधार पर बोल सकता हूँ कि माननीय सुशील अग्रवाल जी जो जिन्होंने सुंदर कांड लिखा या चुकी है, और कई जगह इनके दोहे सोलठे जो हैं तुलसीदास से भी थोड़ा ऊपर चले जाते हैं, भावना भी है और व्यवहार भी है, तो और हम इनसे अपेक्षा करेंगे, अंत में यही बोल रहा हूँ कि इनसे अपेक्षा करूँगा कि ये कुछ और कांड का, जैसे सुंदर कांड है, ऐसे किष्किंधा कांड है, जंगलों का एक वर्णन है, वो सारी चीज़ जहाँ पर राम को तकलीफें हुई, वो आदिवासी शबरी से मिले और अंगत, ये सब तो उसका वर्णन जब ये अपने कलम से करेंगे और अपनी भावना से करेंगे, तो इस देश और देश के बाहर एक नई चीज फिर एक मिलेगी। मैं ये सुंदर कांड के रचयिता माननीय मित्र सुशील अग्रवाल जी का स्वागत करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। सुशील जी, 22 जनवरी को जो है राम जी के मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, और
आपका जो सुंदर कांड है गीता प्रेस के बारे में, और आपको कितनी खुशी है आप इसके बारे में जरा बताएं। खुशी का तो ऐसा है कि कोई ठिकाना ही नहीं है। 500 वर्षों बाद ये ऐसा मौका है दिवाली मनाने का और सब चीज़ों का। भगवान तो वैसे खैर पहले भी थे लेकिन आज भी हैं, है ना, और आगे भी रहेंगे, हम रहे ना रहे, है ना, वो तो सभी चीज़ है। तो उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। बस ये है कि प्रभु ने सबके ऊपर कृपा की है, और सबसे ज़्यादा मैं आभार मानूंगा हमारे मोदी जी का, है ना, जो उन्होंने ये सब अपने आगे बढ़कर सब चीज़ें की है, कराया भी, हालांकि प्रभु ने ही उनसे है, लेकिन उनको प्रेरणा दे के ये सब चीज़ें हुई है, तो उसका अपार खुशी है सब चीज़ों का। आप क्या कहेंगे सुशील जी के सुंदर कांड के बारे में, और कैसे कैसे आप इनसे जुड़े हुए हैं? बहुत अच्छी कोशिश है, और ये सुंदर कांड जो लिखा है इसलिए लिखा गया है कि ये जनमानस तक पहुंचे। औधी में जो तुलसीदास जी ने लिखा है सुंदर कांड, वो सभी लोग को बिल्कुल ऑलमोस्ट तो बाय हार्ट नहीं है, लेकिन जानते हैं कि सुंदर कांड औधी में लिखा है। तो औधी कई जगह पे समझने में कठिनाइयां होती हैं, मुझे लगता है कि बस उसी को सरल करने के लिए उन्होंने प्रभु ने प्रेरणा दी इनको कि क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि सभी को आसानी से हिंदी भाषा में समझ में आ जाए। अच्छा, और जो तुलसीदास का जो सुंदरकांड है और ये आपका जो है वो अवधी भाषा में, ये हिंदी भाषा में, तो इसको जो है पढ़ते हैं या इसमें जो दोहा आएंगे तो वो सारे हिंदी में ही है, उनको कोई भी समझेगा जी, कोई भी। और जैसा कि अभी सर ने बात किया कि कुछ और कांड किया जाए लिखने के लिए, कुछ और कांड किया नहीं जाए, कुछ और कांड लिखे बस मेरा समझ गया ना, भावना पहुंच गई। तो इससे पहले पूरी के पूरी रामायण हम लोग को लिखने का एक अवसर मिला है जय सुभाष जी के म्यूजिक डायरेक्शन में, जो पूरी शुद्ध हिंदी में होगी। हाँ, शुद्ध हिंदी में होगी, जो पूरा अवधि भाषा है ना, पूरा अवधि भाषा, वो हम लोग एक मयूर अग्रवाल जी मिलकर के शुद्ध हिंदी आम मानस के लिए एकदम रामायण पूरी की पूरी लिख रहे हैं। अगर प्रभु श्री राम की कृपा रही तो बहुत जल्द आपके सामने हम नोवा से लेकर के आ रहे हैं। अग्रवाल जी ऐसा है कि डायलॉग लिख रहे हैं हम लोग, उसमें चौपाइयाँ हैं, है ना, भजन है, सब मिक्स करके छोटे रामायण उसमें से सागर में से थोड़े मोती जो भी मिल रहे हैं निकाल के आप लोग के सामने पेश करेंगे। आपने जो है अभी बहुत अच्छा सुनाया सुंदरकांड जो इन्होंने लिखा है, उस पर सभी लोग जय श्री राम पीछे से खुद ही बहुत ही अच्छा सुना। आप क्या कहना चाहेंगे इस सुंदरकांड के बारे में और सुशील जी के बारे में? देखिए, मैं तो सिंगल हूँ, अभी हमारे म्यूजिक डायरेक्शन में बहुत सारे गाने हैं और अंकल जी के बहुत सारे गाने भजन में कर भी रही हूँ और थोड़ा बहुत लिखती भी हूँ, अभी बहुत सारे कंपनियों से मेरे गाने आ रहे हैं तो। लेकिन इनका हमको बहुत अच्छा लगा कि हर आदमी चाहता है भजन से जुड़ना, और आज तो पूरा धरती राममय हुआ है, सब लोग राम के अभी 10 भजन हमने तैयार किया है जो अभी सब लोग मीडिया पे सब लोग बुला रहे हैं, इंडिया न्यूज़ से भी हमारा काफ़ी इंटरव्यू आया, बहुत अच्छा भजन कि आपने वो किया, और सुंदरकांड की बात ही अलग है, जगह जगह लोग सुंदरकांड कर रहे हैं, लोग इंस्ट्रूमेंट वाले नहीं मिल रहे हैं कि हम लोग ने तो अभी तक इंस्ट्रूमेंट वालों को भी हम बुलाते और अच्छे से और गाते, कि हमने दो लाइन रखी, मुझे बहुत अच्छा लगा और आप लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगी सुंदर कांड के बारे में और सुशील जी के बारे में? नमस्कार, मैं राशि वर्मा और मैं प्रोड्यूसर भी हूँ और इवेंट ऑर्गेनाइजर भी हूँ, एक सोशल वर्कर भी हूँ। और सुशील अग्रवाल जी को मैं 2012 से जानती हूँ, उनका साई भजन उन्होंने लिखा हुआ था, सबसे पहले मैंने ही उनका गाने को रिलीज़ की थी साई का बारे में, उस टाइम उन्होंने बहुत अच्छा गाना गाए लिखे और मैंने उनको प्रोड्यूस की थी साई के ऊपर। और उनके लिखने का प्रेरणा तो काफ़ी दिनों से चल रहा है सुशील जी, और रियली उन्होंने जो अभी सुंदर कांड जो हिंदी सरल भाषा में जो लिखा है बहुत बड़ी बात है। उनके लिखने का उद्देश्य यही है कि लोग सुंदरकांड को हिंदी सरल भाषा में सभी लोग पढ़ पाए, सभी लोग जाने सुंदरकांड को इजीली पढ़ पाए, तो इसके लिए इनका बहुत अच्छा एक प्रयास है और इन्होंने बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आगे भी लोग सुंदरकांड सुने और घर घर में सुंदरकांड हो, उनकी चर्चा हो सुंदरकांड की, लोग भगवान राम के प्रति जो आज 22 तारीख को जो राम जन्मभूमि 500 साल बाद जो ये हमारे ऊपर हिंदुत्व के ऊपर बहुत बड़ा एक राम जन्मभूमि पूरी अच्छे से बन रहे हैं, और ये सब एक दूसरे से लगाव है। और मैं ये चाहती हूँ कि भाई सुशील जी का मेहनत
इन्होंने अपना इतना मेहनत लगाई इस वर्क करने के लिए, तो अच्छा हो, राम जी का कृपा हो सब पे। राम जी एक लंबे समय से सुशील जी को आप जानती हैं, उनके पहले साईं भजन से लेकर, और ये सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं कि सुशील जी बहुत अच्छा गाते भी हैं जी। भजन तो इनके पास अनगिनत हैं जी, और जो है आगे आप प्रोड्यूसर भी हैं, कोई और भी इनका ऐसा भजन आएगा तो आप उसको प्रोड्यूस करना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। और नेचुरली मैं सुशील जी को बोली भी हूँ, और हम लोग तो बहुत पुराने गुस्से को जानते हैं, इनका दो दो भजन हमने ही प्रोड्यूस किया है और आगे भी ये होता रहेगा। सुशील जी बीच में कोई वीडियो आया था राम भद्राचार्य आपके सुंदरकांड पे कुछ बोल रहे हैं, उन्होंने कुछ अपनी टिप्पणी दी, उसके बारे में कुछ बताओगे? ऐसा था कि मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि आज के डेट में समझिए वो भगवान ही है हमारे लिए, है ना, और उनकी वजह से ये अयोध्या का जो मंदिर बना है सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से ही है, उन्होंने जो इतने सारे प्रमाण दिए हैं गुरु जी ने, और तब जाके ये बना है। मेरी इच्छा थी कि भगवान से ही मुझे आशीर्वाद मिले, तो उनकी ही कृपा हुई और वो ही यहाँ आए थे, तो मेरी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने पुस्तक पर हाथ भी रखा और फिर उसके ऊपर आशीर्वाद भी दिया। मैंने कहा दो शब्द बोलिए, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैंने कहा और दो शब्द बोलिए, तो उसने कहा कह दिया, तो मुझे ऐसा लगा अमृत मिल गया। आपको अगर अभी अयोध्या जाने का क्या विचार है, आप कब जाने की प्लानिंग कर रहे हैं? ऐसा है कि राम जी जब बुलाएंगे तो दौड़े चले जाएंगे, हम उनकी आज्ञा का इंतजार कर रहे हैं, जैसे उनकी आज्ञा मिलेगी मेरी मेरा राजकीय रथ में बैग पे तैयार पड़ा हुआ। एक बहुत ही अच्छी सुंदर किताब आपने लिखी है, इसके बारे में आपने जैसे मुख्यमंत्री हैं या और भी आगे कहीं आपने, जैसे आपके पास गीता प्रेस से लेटर है, आगे कुछ आपने पत्र भेजा कहीं अपने? हाँ, इसके लिए मैंने मोदी जी को भेजा है, माननीय मोदी जी को, भरत जी को, भरत शाह जी को, अमित शाह जी को भेजा है, योगी आदित्यनाथ जी को भेजा है, मोहन भागवत जी को भेजा है, अब देखिए कब उनके वहाँ से बुलावा आएगा, जरूर प्रस्तुत। अग्रवाल जी, मतलब ये कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं आप, मतलब अभिलाष जी ने भी बोला कि वो तुलसी दास जी से ऊपर के कुछ दोहे हैं आपके। ये इनका बड़ापन है, ये ऐसी बड़ाई कर रहे हैं। मैं अपने आप को ऐसा है कि देखिए जो भी चीजें हैं ये हम कुछ भी नहीं करते, जो भी करते हैं वो प्रभु करते हैं, तो वो किसी से भी कुछ भी काम करवा सकते हैं, ये उनका सब कुछ है। कितना समय लगा आपको ये सब लिखने में? ऐसा है कि इसको लिखने में मुझे 60 दोहे हैं, ये 60 दिनों में 60 दोहे पूरे हुए हैं। रोज रात को मैं 12 से 3 बजे तक लिखता था एकदम, और फिर सुबह उठ के उसको फेयर करता था, ऐसा ये करीब 60 दिन तक चला। अगर आपने जो रात को 12 से 3 का समय चुना, अगर कोई जैसे लिखना चाहता है तो सही समय क्या बताए लेखक के लिए? नहीं, वो उसका ऐसा कोई समय तो कुछ है नहीं, जब उसको जैसा अच्छा लगे, वो तो दिमाग में हमेशा चलता रहता है ना, आदमी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कभी कभी लिखता ही रहता है, लेकिन रात को जो शांति से बैठ के था ये, इसमें सबसे बड़ी मेरे लिए चुनौती ये थी कि आप ज़्यादा अपने विचार कुछ रख नहीं सकते थे, जो कुछ तुलसीदास जी ने लिखा है उसी को ही समझते हुए उसी मीटर में उसी हिसाब से ही लिखना है, आधा भी इधर उधर कहीं जा नहीं सकते। सर जी ने आपके बारे में बताया और बहुत ही अच्छे आपके मित्र रहे हैं, और बताया जैसे कि सुंदरकांड, आगे आप सुंदरकांड के बाद ऐसा क्या लिखना चाहेंगे? अभी हाल फिलहाल तो एक्चुअल में हमारे लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला हुआ है, जो हम लोग जैसे इन्होंने बताया विनय जी ने कि हम लोग वो लिख रहे हैं रामायण का, अभी तो एकदम स्टार्टिंग हुआ है, उसमें 10% दिन निकल गए हैं, तो अब जैसे जैसे रिकॉर्डिंग होते जाएगा वैसे वैसे आगे बढ़ते जाएगा, तो मैं समझता हूँ करीब शायद 6-8 महीने तो उसमें चला जाएगा, बहुत बड़ा रामायण। यूट्यूब पे और कुछ आपका है जैसे सुंदरकांड हो गया या कोई बाणी आपके द्वारा ऐसा कुछ? मेरे ऐसे है कि मेरे करीब 10-12 भजन यूट्यूब के ऊपर है रिकॉर्ड किए हुए, अलग अमरवाणी करके एक है, प्रभु श्री कृष्ण की जन्म कथा है, ये मैंने किस पुस्तक लिखी है, अमरवाणी के 100 दोहे रिकॉर्ड हुए हैं, तो ये भी हुआ है, सुरेश वाडकर जी ने भी मेरा एक भजन गाया हुआ है, ऐसा सब चल रहा है, मेरे भी और भजन में अभी धीरे धीरे कर रहा हूँ, सबके लिए सब कैनलों से फोन आ रहे हैं सब जगह से, तो वहाँ से भी आगे काम होने जाएगा। एक बार सभी लोग जय श्री राम का नारा बोल, जय राम चंद्र भगवान की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोला ही मैं बोलना चाहूंगी कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। और दो लाइन और मैं बोलना चाहूंगी कि जय ही पर कृपा
राम जी की होई हो पर कृपा करे सब कोई राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम सीताराम लखन हनुमंता कृपा करो सब पर भगवंता राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम बोल सिया राम हनुमान की जय बोल पवन सुत हनुमान की जय।